हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और आज के वीडियो में हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के बारे में जानने वाले हैं जो सी में भी यूज होता है और अगर हम चाहें तो इसे सी प्लस प्लस में भी यूज कर सकते हैं। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होते क्या है? जो भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आप देखेंगे वो हैश सिंबल से स्टार्ट होता है। तो हैश सिंबल मिलते ही कंपाइलर ये समझ जाता है कि इन लाइंस को कोड को कंपाइल करने के पहले एग्जीक्यूट करना है। यानी जितने भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं हमारे सोर्स कोड को कंपाइल करने के पहले ये एग्जीक्यूट हो जाते हैं या कंपाइलर इनको एग्जीक्यूट कर लेता है। तो कई सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे सबसे कॉमन है हैश इंक्लूड, जो हम लोग करते आए हैं। हर प्रोग्राम में हम हैश इंक्लूड और फाइल का नाम देते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे और भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं जिनको आगे के वीडियोस में हम देखेंगे। तो हैश इंक्लूड अगर हम देखें तो हैश इंक्लूड दो तरीके से हो सकता है। हैश इंक्लूड डबल कोट्स में हम फाइल का नाम दे सकते हैं या एंगुलर ब्रैकेट में हम दे सकते हैं। तो नॉर्मली जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल्स हैं उनको हम एंगुलर ब्रैकेट में यूज करते हैं और अगर हम खुद का अपना कोई हेडर फाइल बनाएं तो नॉर्मली उसको हम डबल कोट्स में इंक्लूड करते हैं। तो जब भी हम हैश इंक्लूड, जैसे सी में हम stdio.h या दूसरे भी हेडर फाइल्स का यूज करते हैं, कंपाइलर क्या करता है, कोड को प्रोग्राम को कंपाइल करने के पहले इस हेडर फाइल की जो भी कोडिंग है वो हमारे सोर्स कोड के साथ इंक्लूड कर देता है। तो हैश इंक्लूड एक इंस्ट्रक्शन है कंपाइलर के लिए कि इस पर्टिकुलर फाइल्स की कोडिंग हमारे सोर्स कोड के साथ अटैच कर दी जाए। तो ये हैश इंक्लूड डायरेक्टिव है। दूसरा है हैश डिफाइन। हैश डिफाइन क्या होता है कि अगर हम कोई कॉन्स्टेंट डिक्लेयर करना चाहते हैं या मैक्रो डिफाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम हैश डिफाइन का यूज कर सकते हैं। तो सी में कॉन्स्टेंट डिक्लेयर करने का तरीका क्या है, हैश डिफाइन और कॉन्स्टेंट का नेम और उसकी वैल्यू। यानी इस कॉन्स्टेंट को जहां भी हम यूज करेंगे वो वैल्यू वहां यूज हो जाएगी। सपोज सर्कल का एरिया हमें कैलकुलेट करना है और डायरेक्टली यहाँ हम पाई लिख सकते हैं, यानी पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3.14। तो जहां भी इस कॉन्स्टेंट को हम यूज करेंगे इस वैल्यू से उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। और कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, उसको हम पूरे प्रोग्राम में कहीं भी चेंज नहीं कर सकते हैं। इसको अगर हम चाहें तो मैक्रो की तरह भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ एक मैक्रो डिफाइन किया है हमने डबल, और इसमें आर्गुमेंट भी पास किया जा सकता है। यानी जो आर्गुमेंट हम पास कर रहे हैं उसको ये कैसे हैंडल करेगा, यहाँ एक्स प्लस एक्स, यानी जो आर्गुमेंट हम पास करेंगे उसको ये डबल कर देगा। जैसे यहाँ डबल मैक्रो को कॉल किया गया है तो यहाँ हमने वैल्यू पास की है बी, तो बी की वैल्यू कहाँ जाएगी, एक्स के अंदर, और उसकी वैल्यू डबल हो जाएगी और वो डबल वैल्यू रिटर्न करेगा और ये हमारा ए में स्टोर हो जाएगा। तो सिंपल जैसे हम फंक्शन बनाते हैं यह एक तरह से उसी तरह से काम करेगा, लेकिन सिंपल सिंटैक्स वाले जो फंक्शंस हैं उसको हम एज अ मैक्रो भी डिफाइन कर सकते हैं। देन अगला है अनडेफ। किसी डिफाइंड मैक्रो को या कांस्टेंट को अगर हम अनडिफाइन करना चाहें तो हम उसे अनडिफाइन कर सकते हैं और फिर उसमें हम न्यू वैल्यू असाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे इस एग्जांपल में देखें, यहाँ मैक्स विथ एक कांस्टेंट बना है जिसकी वैल्यू 100 है। तो कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट क्या है कि पूरे प्रोग्राम में इसकी वैल्यू सेम रहती है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम चेंज कर सकते हैं जब हम उसे अनडिफाइन कर दें। अनडेफ हैश अनडेफ यही है, अनडिफाइंड करता है किसी कांस्टेंट को या मैक्रो को जो पहले से डिक्लेयर है। तो ये पहले से डिक्लेयर था, अनडिफाइंड करने से ये क्लियर हो गया, यानी मेमोरी से इस नाम का कांस्टेंट हमारा हट गया और फिर से हम हैश डिफाइन से इसकी वैल्यू सेट कर सकते हैं और इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो पहले इसकी वैल्यू 100 थी लेकिन अनडिफाइन करने के बाद हमने इसकी वैल्यू दे दी 10। तो जब भी मैक्स विथ हम यूज करेंगे अब इसकी न्यू वैल्यू 10 यूज होगी। देन नेक्स्ट है हैश इफ डेफ एंड हैश इफ एनडेफ। अब ये क्या करता है, अगर हम किसी सर्टन पोजीशन पर चेक करना चाहते हैं कि वो मैक्रो या कॉन्स्टेंट डिक्लेयर है या नहीं है,
तो इफ def से हम चेक कर सकते हैं। इफ def यानी इफ डिफाइंड, इफ डिफाइंड के साथ हम उस मैक्रो या कांस्टेंट का नाम दे सकते हैं जो डिफाइन है। तो अगर हम अगर वो मैक्रो डिफाइन रहेगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर ये डिफाइन नहीं रहेगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो जैसे हैज इफ def max, तो यहाँ क्या max क्योंकि डिफाइन है ऑलरेडी, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये क्या प्रिंट करेगा, max is defined। अगर ये डिफाइन नहीं होता तो हम उसको चेक कर सकते थे हैज if ndef से। If ndef क्या है, अगर मैक्रो डिफाइंड नहीं है तब ये ट्रू रिटर्न करेगा, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर मैक्रो डिफाइन होता है तो if def ट्रू रिटर्न करता है, अगर डिफाइन नहीं होता है if not defined then ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये चेक करने के लिए है कि वो मैक्रो पर्टिकुलर मैक्रो डिफाइंड है या नहीं है। देन नेक्स्ट है हमारा has if elif else एंड इफ डायरेक्टिव्स। एक्चुअली इन सबको एक साथ यूज किया जा सकता है, जैसे हम इफ स्टेटमेंट इफ एल्स इफ या एल्स स्टेटमेंट यूज करते हैं उसी तरीके से इसको यूज किया जा सकता है। लेकिन ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है तो ये नॉर्मल प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन टाइम पर कंपाइल नहीं होंगे और एग्जीक्यूट नहीं होंगे, बल्कि ये कंपाइलेशन के पहले एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो इफ मोड इक्वल टू वन, मोड यहाँ एक डिफाइंड मैक्रो है या कांस्टेंट है, अगर उसकी वैल्यू वन है तो ये प्रिंट करेगा। एलिफ जैसे हम एल्सिफ देते थे कि इफ की कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर एल्सिफ में जाता था, इसी तरीके से यहाँ हम हैस एलिफ का यूज कर सकते हैं कि अगर मोड की वैल्यू ये है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। और हैस एल्स जैसे इफ के साथ हम एल्स लगाते थे उसी तरीके से हैस एल्स डायरेक्टिव है और ये कुछ और प्रिंट करेगा। एंड इफ से ये ब्लॉक खत्म होता है, यहाँ क्योंकि हम ब्रेसेस नहीं लगा रहे हैं, कर्ली ब्रेसेस लगा के ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट डिफाइन नहीं कर रहे हैं, तो ये इफ का क्लोजिंग होता है एंड इफ। तो इस तरीके से ये सारे मैक्रो एक साथ यूज किए जा सकते हैं। हम नॉर्मल चाहें तो इफ एल्स भी यूज कर सकते हैं या इफ एल्स इफ का जैसे हम प्रोग्राम में यूज करते हैं, वैसे ही प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स में इसका हम यूज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में अगर आपको ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अगर कोई दिक्कत है कोई प्रॉब्लम है इनमें तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। Thanks for watching this video.